किश्तवाड़ पावर प्रोजेक्ट्स और अनहोनियां लगातार जारी है। अभी कुछ देर पहले राटले पावर प्रोजेक्ट जो द्राबशाला में बन रहा है, वहां पर एक डंपर का जो है एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक नौजवान जो है वो दरिया में गर्क हुआ है। उस नौजवान की पहचान फयाज अहमद के तौर पर हुई है और ये डोडा का चलोतरान गाँव है, वहाँ का रहने वाला है। बदकिस्मती की बात यह है कि इस वक्त वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल रहा है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में जो चीज़ें ज़रूरत है वो वहाँ पर कंपनी के पास इस वक्त दस्तियाब नहीं है। 3-4 हज़ार मजदूर लोग परेशान, और कंपनियाँ जो है वो पैसे कमा रही हैं और मजदूरों की जानें जो है वो लगातार वहाँ पर हादसों में हो रही है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ये डंपर जो डंपिंग यार्ड जो है वहाँ पर जो है वो ये हादसे का जो है वो डंपर शिकार हुआ, जहाँ ये डंपिंग यार्ड जो है वहाँ पर उन्होंने, क्योंकि आपको देखते होंगे, मैंने कई बार आपको वीडियोस दिखाए हैं कि किस तरह से जो डंपिंग यार्ड है दरिया के अंदर जो है वो सारा जो अंदर से मटेरियल निकलता है उसको डाला जाता है। जाहिर तौर सी बात है जब डंपिंग यार्ड जहाँ बनता है वो आहिस्ता आहिस्ता और जो वो गर्क आब है, इसका मतलब है कि वो अब जो है वो जिंदा नहीं होगा। हालांकि इस डंपर में जो है वो दो लोग सवार थे, जबकि एक जो शख्स था वो बचकर निकलने में कामयाब हुआ, और ये भी बताया जाता है कि वो वहां से फरार हुआ। जो पावर प्रोजेक्ट कंपनीज है, लगातार उनको जो है वो शील्ड किया जा रहा है। कौन लोग उनको शील्ड कर रहे हैं, ये जग जाहिर सी बात है। जो जो पावर प्रोजेक्ट कंपनी जिनको इलेक्ट्रल बांड्स में पैसे देते हैं, या जो उनके वहाँ पर चहेते हैं, जिनके वजह से वो यहाँ पर राज करते हैं, और राज हमारे ही लोगों की वजह से हो रहा है। कुछ लोगों को ठेकों के मुफादात है, कुछ लोगों को पॉलिटिकल मुफादात है, लेकिन अगर इसमें कोई पिस रहा है वो पिस रहा है आम इंसान। हमारे पास विजुअल्स आ रहे हैं वहाँ से, जो इस वक्त जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। एक मैं कहूँगा कि ये एक खूनी खेल है। आपको याद होगा जब इसी जगह पर जो है वो इसी प्रोजेक्ट एरिया में जब लैंडस्लाइड आई थी, किस तरह से हमारे 4 लोग वो हमारे गए थे। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा मुआवजा कंपनसेशन देकर पॉलिटिशियन की नेगोशिएशन की वजह से कभी किसी का मामा सामने आया, कभी किसी का ताया सामने आया, कभी किसी का चचेरा भाई सामने आया, कभी कोई पॉलिटिकल बॉस सामने आया, मसलों को जो है वो चंद रुपयों में जो है वो रफा दफा किया गया। जहाँ पर एक शख्स को 50-60 लाख रुपए का जो है वो कंपनसेशन मिलना चाहिए था, वहाँ पर उसको 6 लाख, 8 लाख या 4 लाख में जो है वो निपटाया गया। इसी तरह से हमने देखा था कि किस तरह से कुछ दिनों पहले एक नौजवान ड्राइवर जो एक छोटे बच्चे का बाप था, वो गिरकर जो है वो ड्रेन में गिरा वहाँ पर, और उसकी जो है वो मौत हो गई। जो आयरन राड है वो सीधे उसके दिल में घुसी, उसके बाद पर्चा भी लगा। लेकिन क्योंकि ये जो मैं बोलूँगा ये ऑफेंसेस जो है वो अवेलेबल है, उसमें NHIDCL के लोग इन्वॉल्व थे, JEEs इन्वॉल्व थे, कंट्रैक्टर इन्वॉल्व थे, थोड़ा सा हुआ और उसके बाद वो चल पड़े। आज जो है वो कोई पूछने वाला नहीं है। वो जो शख्स मरा, वो आज उसके घर वाले जो है वो वीरान बैठे हैं, उसके बगैर बैठे हैं। हार्डली कोई उनके पास जाता होगा और उनको पूछता होगा। लेकिन अब ये हादसा जो फैज़ान का हादसा हुआ है, जिसमें फैज़ान की उम्र तकरीबन 26 साल के करीब मुझे लगती है, जो फोटोग्राफ उसकी हमारे पास आई है, उसके हिसाब से अभी वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हम इस पर आपको अपडेट देते रहेंगे। पुलिस मौके पर है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अभी पहुँचने वाली होगी, सीनियर ऑफिशियल्स कोई नहीं है, जो इंचार्ज चौकी ऑफिसर है वो वहाँ पर मौजूद है, शायद इमरान है वहाँ पर चौकी ऑफिसर। हम देख रहे हैं द्राबशाला में क्या हालात बने हुए हैं, लोगों के घर उजड़ रहे हैं, ब्लास्टिंग हो रही है, क्रेक हो रहा है सारा। अभी तो ये डंपर गया, अभी आइंदा आने वाले वक्त में जो है वो आधा द्राबशाला जो है वो फिर उतर के आएगा। हमारा किश्तवाड़ का कीरू क्वार वो भी उतर के आएंगे। जो नेशनल हाईवे काम कर रही है मुगल मैदान एरिया में, वहाँ से भी जो है वो उतर के आएंगे। कब तक जो है वो किश्तवाड़ में इस तरह के प्रोजेक्टों पर हादसे होते रहेंगे। और अभी बदकिस्मती की बात यह है कि जो कंपनी मल्टी बिलियनर कंपनी है, जो 50-100 नहीं 1000 करोड़ जो है वो इलेक्ट्रोल बांड में पैसे दे रही है पॉलिटिकल पार्टीज को, सिर्फ ठेके हासिल करने के लिए,
लेकिन उनके पास इस वक्त बचाव में जो चीज़ें ज़रूरत है वो चीज़ें मौजूद ही नहीं है। हम चाहेंगे कि इस पर जब FIR होगी उसमें जो कंपनी के लोग जो इसमें इंतजामिया में इन्वॉल्व है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो है वो एक तरह से मर्डर है कि जिस तरह से वहां पर हालात बने हैं और जो डंपिंग यार्ड बनाया है और जो इसकी कंडीशन है और जो नीचे से वो लूज है, जब उस पर गाड़ियां चलती है जाहिर सोती बात है कि इस गाड़ी को जो है वो बैलेंस हुआ होगा, जब ये लोडेड गाड़ी होगी तो कुदरती बात है जब इसका बैलेंस जो है वो खो गया तो ये लुढ़क कर जो है वो दरियाए चिनाब में चली गई। हालांकि दरियाए चिनाब की भी जो है वो बुरी हालत है, उसमें सारा मलबा डाला हुआ है वहां पर जहां पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगा है, वहां पर जो है वो एक तरह से झील सी बनी हुई है। हमें इंतज़ार रहेगा अपडेट का, आप हमारे इसको चैनल को देखते रहें। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।